हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को हाफ स्लीव का फुल साइज का शर्ट बनाना बताएंगे। इसकी फुल कटिंग और स्टिचिंग दोनों चीज हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझा करके बताएंगे कि किस तरह से इसकी कटिंग करना और किस तरह से सिलाई करना है। तो उसके लिए ये मैंने कपड़ा लिया है, ये हमारा कपड़ा 1.25 मीटर है। तो इसी कपड़े में हमें शर्ट पूरा बना करके कम्प्लीट करना है, हाफ स्लीव हमें बनानी है। कपड़ा आप देख सकती हैं, मैंने आपको इसीलिए नाप करके भी दिखा दिया है। और इस कपड़े की पन्ही की चौड़ाई ज्यादा है, अगर इसका पन्हा छोटा रहे तो आपको 1.5 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा, वरना 1.25 मीटर में आपका शर्ट पूरा कम्प्लीट हो जाएगा। लेकिन फुल स्लीव का अगर शर्ट बनाना है तो आपको 2 मीटर पूरा कपड़ा लेना होगा। तो आप देख सकती हैं कि पन्हे की डबल चौड़ाई है 29 इंच, जबकि इसका सिंगल पार्ट करने पर इसका डबल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने शर्ट के हिसाब से लंबाई चौड़ाई नाप लेनी होगी। जो भी साइज का आपको बनाना है उसका पहले आपको मेजरमेंट लेना होगा, नाप लेनी होगी। तो मुझे शर्ट बनाना है 31 इंच की लंबाई फुल तैयार रहेगी, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर 30 इंच निशान लगा दिया है। ये हमारा आगे का पार्ट है 30 इंच, हमें पीछे वाले पार्ट को हमें इससे बड़ा रखना होगा, तब ये हमारा शर्ट पूरे फुल लंबाई में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, मैंने 30 इंच पे लंबाई का निशान लगा दिया है। अब यहाँ से 2 इंच पर हम निशान लगाएंगे, जो कि हमारी आगे की पट्टी होगी, दोनों साइड की पट्टी। तो इसको मैंने इस तरह से 2 इंच की दूरी पर निशान लगा दिया है। अब इस निशान को हमें सीधा कर लेना है। इस निशान को सीधा करने के बाद तब हमें शर्ट की चौड़ाई का नाप लेना होगा। तो यहाँ से पहले हम कंधे के लिए निशान लगाएंगे, जो कि हमारा कंधा है 8 इंच। तो 8 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। अब 8 इंच कंधे का निशान लगाने के बाद फिर नीचे की साइड भी हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे, जो कि हमारे आर्महोल की लंबाई का निशान होगा। तो यहाँ से पहले हम 8 इंच पर निशान लगा देंगे, इस तरह से हम बॉक्स बना देंगे। अब यहाँ से हमें ऊपर की यानी कि चेस्ट की चौड़ाई का निशान लगाना होगा, जो कि हमें 21.5 इंच का शर्ट तैयार करना है। तो उसका हाफ हम लेंगे, तो इस तरह से मैंने 11 इंच नाप ले लिया है। 11 का डबल 22 होगा, हमने सिलाई भी इसी में रख ली है। तो 22 पर मैंने निशान लगा दिया है। इस निशान को हमें नीचे तक सीधा कर लेना है। पहले हम निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब इस तरह से मैंने आगे वाले पार्ट की आधी अधूरी तो निशान लगा दिया है। अब हमें यहाँ पे कहाँ पे गोलाई देना है, कहाँ पे फिटिंग देना है, वो सारी चीजें आपको समझानी है। तो ये है हमारे आर्महोल का निशान, इसमें हमें इस तरह से गोलाई देनी होगी। तो इस तरह से मैंने गोलाई का निशान लगा दिया है। अब ये निशान लगाने के बाद यहाँ पे हमें कंधे के लिए 1.5 इंच नीचे निशान लगाना होगा यहाँ पर। तो देखिए, मैंने ये निशान 1.5 इंच पे लगाया है। यहाँ हमें आगे वाले गले की दूरी 3 इंच रखनी है, यानी कि 3 इंच में हमें गले की कटिंग करना होगा। तो 3 इंच पर हम इसका निशान लगा देंगे। गले की दूरी 2.5 इंच भी रखी जा सकती है। तो यहाँ से अब इन दोनों निशान को हम इस तरह से मिला देंगे। ये वाला हमारा कंधे का निशान हो गया। अब यहाँ से हमें गले का निशान लगाना है। इस साइड से मैंने 3 इंच रखा है, इस साइड से भी 3 इंच रखना है। यहाँ निशान लगा करके इसे इस तरह से वी शेप में निशान लगा देना है। तो मैंने गले का भी निशान लगा दिया है। अब हमें इसमें फिटिंग का निशान लगाना होगा। तो फिटिंग का निशान आप चाहे तो अंदाज से भी लगा सकती हैं। अगर इस तरह की स्केल हो तो सबसे अच्छा है, इस स्केल से आपको निशान लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपकी कटिंग भी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अगर नहीं है तो आप इस तरह से 1 इंच अंदर गहराई का निशान लगा करके इसी शेप में आप निशान लगा सकती हैं, वो भी हो जाएगा, लेकिन इस स्केल से निशान अच्छा आता है। अब यहाँ नीचे की साइड से हमें 3 इंच नाप लेनी है, यहाँ से यहाँ पर भी निशान लगा लेना है। और इस निशान को हमें गोलाई के लिए हमने निशान लगाया है, तो सबसे पहले यहाँ से हम चौड़ाई नापेंगे और फिर इसको हाफ कर देंगे। इस तरह से हाफ करके फिर हम यहाँ से इसका निशान लगा देंगे नीचे की साइड। अब यहाँ से हमें गोलाई देना होगा इस तरह से। तो देखिए, मैंने नीचे की गोलाई का भी निशान लगा दिया है। अब आगे वाले पार्ट की हमारी फुल निशान लग चुकी है, अब इस पर हमें कटिंग करना होगा। तो पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो
तो मैंने आगे वाले पार्ट की कटिंग कर ली है, नीचे की गोलाई का मैंने अभी तक कटिंग नहीं की है क्योंकि हमें पीछे वाले पार्ट को रख करके एक साथ हमें कटिंग करना होगा। तो अब हमें पीछे का पार्ट कटिंग करना है। तो पहले ये साइड में जो मैंने फिटिंग लगाया था, ये कपड़ा थोड़ा सा इस तरह से बाहर निकला हुआ है, तो इसे पहले हम सीधा कर लेंगे। कपड़े को मैंने सीधा कर दिया है, अब इसे हमें खोल लेना है क्योंकि हमारा कपड़ा डबल है। तो इस तरह से मैंने कपड़े को खोल लिया है। अब हमें पीछे की चौड़ाई की नाप लेना है। तो यहां से हम पहले नाप लेंगे, 22 इंच पर हम निशान लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने निशान लगा दिया है। अब कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना होगा। तो देखिए कपड़े को तो मैंने फोल्ड कर लिया है। अब यहां से पहले एक बार और हम देख लेंगे कि हमारी चौड़ाई बिल्कुल सही है या नहीं। तो देखिए हमारी चौड़ाई का निशान मैंने बिल्कुल सही लगाया, कपड़े को मैंने सही फोल्ड किया है। अब इस पर हमें ऊपर वाले पार्ट को यानी कि आगे वाले पार्ट को हमें रख लेना है। यहाँ से एकदम सही करते हुए हर जगह से हमें एकदम से सही रख लेना है पहले इसको। और पट्टी वाला कपड़ा हम बाहर निकाल देंगे, जो मैंने आगे 2 इंच पट्टी के लिए कपड़ा छोड़ा था। अब उसके बाद हमें कंधे के पास यहाँ से 2 इंच ऊपर निशान लगाना है। देखिए मैंने 2 इंच ऊपर निशान लगा दिया है। अब इस निशान को हम सीधा करेंगे और ये वाला निशान हम 9 इंच पर लगाएंगे। तो देखिए मैंने 9 इंच पर इसको इस निशान को इस तरह से सीधा कर लिया है। अब यहां से भी हमें नाप लेना है। देखिए ये वाला निशान हमारा 8 इंच पर है और ऊपर वाला पीछे वाला मैंने 9 इंच पे लगाया है। अब यहां से हमें आर्मोल के लिए इस तरह से निशान लगाना होगा। लेकिन उससे पहले यहाँ से हम कंधे के लिए 1.5 इंच निशान लगा देंगे, जो कि मैंने आगे वाले पार्ट में 1.5 इंच नीचे निशान लगा करके तिरछी कटिंग की है। वही निशान हमें पीछे वाले में भी लगाना है। और आगे का गला मैंने 3 इंच पे निशान लगाया था, तो पीछे वाले गले को भी मैंने 3 इंच पे निशान लगा दिया है। और दोनों निशान को इस तरह से मैंने तिरछा कर दिया है। अब इसको इस तरह से हमने गोलाई का निशान लगा दिया है। अब ये हो गया है हमारा आर्मोल का निशान। तो ये पीछे वाले पार्ट को हमें बिल्कुल सेम कटिंग कर लेना है। मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ये हमें जो आगे का आर्मोल है इसमें हमें थोड़ा सा गहराई देनी होगी। आप चाहे तो इसको आधे इंच पे निशान लगा करके भी गहराई दे सकती हैं, चाहे तो ऐसे भी कटिंग कर सकती हैं। तो ये भी हमें यहाँ से कटिंग कर लेना है इस तरह से निशान लगा करके। देखिए आधा इंच हमारा है, तो इसे भी पहले हम कटिंग कर देंगे। तो इसको भी मैंने कटिंग कर दिया है, पीछे का गला और आगे का गला अभी हमें कटिंग करना है। तो आगे वाला गला भी हम कटिंग कर लेंगे। तो मैंने गले को अभी छोटा ही कटिंग किया है क्योंकि अक्सर गले की साइज बड़ी हो जाती है। अगर छोटा होगा तो बाद में हम इसको और बड़ा कर देंगे। अब ये पीछे वाला गला जो 3 इंच पे मैंने निशान लगाया था, उसको इधर इस साइड से 1 इंच पर मैंने गहराई दी है और इसको इस तरह से बॉक्स बना लिया है। इसको भी हम यहाँ से गोलाई देंगे और इसे हम कट कर देंगे। तो ये हमारे शर्ट की फुल कटिंग हो चुकी है। बस हमें पीछे वाले पार्ट में तीरे की कटिंग करना है। तो अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे और तीरे की कटिंग करेंगे। तो पहले इसे हम साइड में रखेंगे, पहले हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे। ये कपड़ा मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसे हमें अपने आर्मोल की चौड़ाई के हिसाब से फोल्ड करना है। तो मैंने इसे 8 इंच पे फोल्ड कर लिया है। देखिए 8 इंच पे मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से हमें स्लीव की लंबाई लेनी है, तो 2 इंच यहाँ फोल्ड के लिए लेंगे और यहाँ से 7 इंच की हमें स्लीव रखनी है। तो देखिए मैंने 7 इंच इसे रखी है, टोटल हमारा 9 इंच हो गया है। फोल्ड वाला लेके और स्लीव की लंबाई लेके हमने 9 इंच पर निशान लगा दिया है। अब यहाँ से हमें इस तरह से इसे इस निशान को सीधा कर लेना होगा। इस निशान को सीधा करने के बाद फिर यहाँ से हमें 3 इंच पर एक निशान लगाना है और यहाँ से हमें गोलाई देनी है अपनी स्लीव के लिए इस तरह से। और स्लीव के किनारे की जो भी चौड़ाई आपको रखनी है उस हिसाब से आप इसकी स्लीव का निशान लगा सकती हैं। तो देखिए मैंने 7 इंच पे इसका निशान लगाया है। अब इसी निशान पर हमें कटिंग कर लेना है। तो देखिए मैंने स्लीव की कटिंग कर ली है। अब आगे वाले पार्ट में हमें इसमें भी गहराई देना होगा, तो थोड़ा सा मैंने इसमें आगे की गहराई दे दी है। तो ये अब हमारे स्लीव की फुल कटिंग हो चुकी है।
अब इसमें हमें निशान लगा देना है कि आगे और पीछे की पहचान बनाने के लिए, नहीं तो अक्सर ये आगे का पीछे हो जाता है। तो दोनों साइड आगे वाले पार्ट में हमने इस तरह से कट लगा दिया है। अब हमें पीछे वाले तीरे की कटिंग करना होगा। हमने शर्ट की स्लीव की दोनों की कटिंग कर ली है, तो ये देखिए ये सीधी साइड जो है यहाँ से हम तीरे की कटिंग करेंगे। तो पहले हम पीछे वाला पार्ट लेंगे, आगे वाले पार्ट को हम साइड में रख देंगे। अब देखिए इसकी लाइनिंग सीधी है, तो इसकी लाइनिंग हमें इस तरह से साइड से रखनी होगी, क्योंकि दोनों की लाइनिंग सीधी रहेगी तो वो ठीक नहीं लगेगा। अक्सर तीरे की लाइनिंग इस तरह से साइड में रखी जाती है, यानी कि बेड़ी रखी जाती है। तो सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से हम 5 इंच पर निशान लगा देंगे और 1/2 इंच हम सिलाई के लिए भी रख लेंगे। 5.5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। इस निशान को मैंने सीधा कर दिया है। अब पीछे वाले पार्ट को हमें इसी निशान के हिसाब से इस तरह से कट करना होगा। तो पहले तो मैंने पूरे कपड़े पर इस तरह से पीछे वाले पार्ट को रख दिया है और साइड से हमें पहले एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना होगा। कंधे का और गले का जो भी कपड़ा ये निकला हुआ है, सारे कपड़े को हमें कट कर लेना है। अब इसको कट करने के बाद पीछे वाले पार्ट को हमें हटा देना है और ये जो निशान मैंने लगाया था उसी पर हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो इस तरह से हमारे तीरे की कटिंग बहुत ही इजीली हो जाती है। देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसमें से हमें पॉकेट बनाना होगा और कॉलर बनाना होगा। इतने कपड़े में हमें कॉलर पॉकेट बनाना है, तो ये पॉकेट के लिए कपड़ा है। साइड से हमें इसे कट कर देना है, क्योंकि इसकी किनारी ऐसी होती है सिलाई के बाद खिंच जाती है, और ये किनारे का जो पार्ट तिरछा है उसे हमें कट करके बराबर कर लेना है। अब इस तरह से कपड़े को हम फोल्ड रख कर लेंगे और यहाँ से मैंने इसे तिरछा कर दिया है। हमारे पॉकेट की लंबाई चौड़ाई कटिंग हो चुकी है। पॉकेट की लंबाई 5 इंच रखी जाती है, चौड़ाई 4.5 इंच। मैं तो इसी हिसाब से रखती हूँ, आप अपने हिसाब से पॉकेट की लंबाई चौड़ाई रख सकती हैं। इस तरह से मैंने इसे फोल्ड कर दिया है। किनारे की साइड भी हमें फोल्ड कर लेना होगा। तो अब चलिए इसकी सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। तो ये कॉलर का कपड़ा है, इसे हम साइड में रखेंगे और पहले हम शर्ट की सिलाई करेंगे। तो देखिए ये मैंने दोनों आगे का पार्ट ले लिया है। आगे वाले पार्ट को हमें इस तरह से रख लेना होगा और ये दोनों की जो आगे की पट्टी है इसे हमें इस तरह से फोल्ड करके और इस पर हमें सिलाई लगानी होगी। दोनों साइड का कपड़ा हम फोल्ड करेंगे पट्टी और इस पर हम एक एक सिलाई लगा लेंगे। आगे ऊपर वाली जो पट्टी होगी उस पर हम 2 सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने इसकी सिलाई कर ली है, दोनों पट्टियों पे मैंने सिलाई कर ली है। अब ये है हमारी स्लीव, इसकी भी मैंने सिलाई कर ली है। यानी कि जो 2 इंच कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा कट किया था उसको मैंने नीचे की साइड फोल्ड करके सिलाई कर दी है। ये है हमारी सीधी स्लीव, तो मैंने किनारे की साइड का एक बार कपड़ा फोल्ड करके सिलाई किया है। अगर आपको इंटरलॉक करना हो तो किनारे की साइड आपको फोल्ड करने की जरूरत नहीं है। अगर इंटरलॉक नहीं करना हो तो आप भी इस तरह से फोल्ड करके सिलाई करें तो आपका कपड़ा निकलेगा नहीं। तो दोनों स्लीव और आगे का पार्ट मैंने रेडी कर लिया है। अब पीछे वाले पार्ट को हमें लेना होगा और उसे इस तरह से रख लेना है। तो देखिए मैंने पीछे वाले पार्ट को और आगे वाले पार्ट को दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख लिया है। दोनों की सीधी साइड बाहर है और दोनों की उल्टी साइड अंदर है, यानी कि तो आपको भी इसी तरह से इसकी सीधी साइड बाहर और उल्टी साइड अंदर रखना होगा, वरना उल्टी साइड ऊपर रखेंगे तो सिलाई के बाद ये उल्टा हो जाएगा। और ये देखिए आप पीछे का पार्ट हमारा 2 इंच जो लंबा है वो मैंने कंधे के तरफ 2 इंच एक्स्ट्रा जो कटिंग किया था वही हमारा नीचे की साइड 2 इंच गया है। अब हमें तीरे को इस तरह से रखना है, तीरे का हमें उल्टा पार्ट ऊपर रखना है और सीधा पार्ट नीचे रखना है और दोनों कंधे पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने कंधे पर सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना होगा कि हमें इसे इस तरह से खोल लेना होगा। तो आप देख सकती हैं कि सभी कपड़े की सीधी साइड ऊपर आ गई है और उल्टी साइड नीचे चली गई है, यानी कि हमारा तीरा भी इस तरह से बिल्कुल सेट हो गया है। अब हमें तीरे पर यानी कि इस तरह से सेट करने के बाद यहाँ और यहाँ सिलाई लगा लेनी है, फिर यहाँ पर हमें कपड़ा फोल्ड करके यहाँ पर भी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हमने जो स्लीव बना करके तैयार किया है उसको भी हमें दोनों साइड की स्लीव ज्वाइंट कर देना है। इसमें हमें आगे और पीछे का पार्ट ध्यान जरूर देना है। तो मैंने स्लीव की ज्वाइंट लगा ली है, तीरा भी मैंने बना लिया है। साइड से अब हमें फिटिंग की सिलाई लगानी होगी। अब हमें पॉकेट भी लगाना है, तो यहाँ पर पहले हम पॉकेट लगा लेंगे उसके बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो हमें पॉकेट 7 इंच नीचे लगाना होगा
सात इंच पर पहले पॉकेट को रख करके निशान लगा लेना है, उसके बाद हमें पॉकेट की सिलाई करना है। इस तरह से पॉकेट के लिए बॉक्स बना ले तो पॉकेट लगाने में बहुत इजी रहता है। तो इसी तरह से पॉकेट की सिलाई करने के बाद फिर हम बाद में फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ये फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद फिर हम नीचे की साइड फोल्ड करेंगे। नीचे की साइड हमें दो बार कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है, पूरी गोलाई में हमें सिलाई लगा लेना है। तो देख सकती हैं कि इस तरह से मैंने शर्ट की पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है। बस हमारा कॉलर रह गया है, तो कॉलर की वीडियो इसमें नहीं मिलेगी क्योंकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। तो ये वाला जो कपड़ा है उसे हमें इसमें कॉलर बना लेना है। अगर आपको कॉलर की वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पे बहुत सारी कॉलर की वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके उसे देख करके बना सकती हैं। तो ये शर्ट हमारा बनके पूरी तरह से रेडी हो गया है। अब हमें इसमें बटन लगाना होगा, तो पहले हम बटन लगा लेंगे उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो ये बटन हमारे पास है, ये बटन हमें लगाना है। बटन को आप 3-3 इंच की दूरी पे लगा सकती हैं। 3 इंच की दूरी पे अक्सर रेडीमेड शर्ट में भी 3 इंच की दूरी पे ही लगी होती है। तो इस तरह से पहले हम बटन लगाएंगे, तो इस तरह से हमारा शर्ट पूरी तरह से बनके कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए हमने शर्ट को बना करके कंप्लीट कर लिया है, यानी कि बटन भी लग गई, हमारा पूरी तरह से शर्ट बनके कंप्लीट है। उम्मीद है कि आज की मेरी इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। फुल स्लीव का शर्ट अगर सिलना है तो उसकी भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।